वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ऑथेंटिक एक ओडिया रेसिपी पोड़ा पिठा भी बना के दिखाऊंगी और इसको आप दोशा बैटर का केक भी बोल सकते हैं, जिसको मैंने बेक किया है प्रेशर कुकर में। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कितना स्पॉन्जी और यम्मी बना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। दोशा बटर का केक और पोड़ा पिठा बनाने के लिए मैंने यहाँ उड़द दाल लिया है 1 कप। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और इसका पानी निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने दोसा राइस और जो कोई भी रॉ राइस भी यूज कर सकते हैं आप, इसको मैंने लिया है 2 कप्स। जगरी लिया है, कोकोनट हाफ कोकोनट को ग्रेट करके रखा है। 3-4 इलायची को मैंने क्रश करके रखा है। थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, कैश्यू नट्स एंड कोकोनट को, थोड़ा सा कोकोनट को मैंने पतला पतला करके ऐसे काट के रखा है। अब हम उड़द दाल और राइस का फाइन पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ज्यादा पानी ऐड मत करना। ये देखिए मैंने उड़द दाल को और राइस को फाइनली पेस्ट कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अब मैंने इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट्स तक व्हिप करेंगे, जैसे कि ये फ्लॉपी हो जाए। देखिए मैंने उड़द दाल जो था उसको मैंने 10 मिनट्स तक व्हिप किया था। अब ये कितना हल्का दिख रहा है, अब हम चेक करेंगे ये सच में हल्का हुआ कि नहीं। देखिए थोड़ा सा लेके आप पानी में ऐसे डालिएगा, देखिए ऊपर आ गया है, ये पूरा हल्का फ्लॉपी हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा राइस था, राइस का जो हम पेस्ट बनाए थे, उसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, जो इलायची को क्रश करके रखा था उसको डालेंगे। मैंने इसमें इलायची, राइस का जो बटर था वो और सॉल्ट ऐड कर दिया है उड़द दाल में। अब हम इसमें हाफ जगरी जो लिया था उसमें से हाफ इसमें यूज करेंगे। आप अपने हिसाब से शुगर भी यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से क्लीन हैंड में मिक्स कर दीजिएगा, नहीं तो जगरी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे इसके साथ। देखिए मैंने जगरी को बटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम जो कोकोनट है और कैश्यू है उसको घी में फ्राई कर देंगे। देखिए मैंने पैन को हीट कर दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून घी और उसमें फ्राई करूंगी जो कोकोनट पतला करके रखे थे उसको और कैश्यू नट को। देखिए मेरे जो कोकोनट और कैश्यू नट्स हैं वो ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसको दूसरे प्लेट में निकाल दूंगी। अब मैंने फिर से पैन को गर्म कर दिया है, अब मैं जो हाफ जगरी था उसको डालूंगी। देखिए मेल्ट हो रहे हैं, कि थोड़ा सा इसको मेल्ट होने के बाद हम इसमें जो ग्रेटेड कोकोनट थे उसको डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कोकोनट। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये जगरी और कोकोनट ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, अब हम इसको साइड में रख देंगे और प्रेशर कुकर को गर्म कर लेंगे। मेरा प्रेशर कुकर जो है गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 2 से 3 स्पून घी डालूंगी। घी डाल दिया है मैंने इसमें, अब हम इसको किसी भी ब्रश से या
ऐसे पकड़ के भी ऐसे ग्रीस कर सकते हैं साइड में, जैसे कि ऑयल लग जाए। मेरा जो बैटर है इसमें हाफ जो मैंने फ्राई करके रखा था और जो कोकोनट और कैश्यू नट को इसमें मिक्स करूंगी और हाफ को मैं रख रही हूँ, इसको ऊपर से डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे हाफ डोसा बटर, फिर उसके ऊपर से डालेंगे जो कोकोनट और जबरी को रखा था उसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको डाल देंगे जो फ्राई करके रखे थे हमने कोकोनट और इस कैश्यू नट को, उसके ऊपर से मैं फिर से डालूंगी बैटर। बैटर डालने के बाद कोकोनट और जगरी को डालेंगे। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा कोकोनट और कैश्यू नट को और फिर से इसके ऊपर से डोसा बैटर को डाल देंगे। और बाकी जो कोकोनट थे उसको सबको हम डाल देंगे। डालने के बाद ऊपर से फिर से हम जो कैश्यू नट और कोकोनट को फ्राइड करके रखे थे उसको डाल देंगे। अब मैं इसको लो से मीडियम फ्लेम में 30 मिनट्स तक कुक करूंगी, वो भी प्रेशर कुकर विसिल है और जो रबर रिंग है उसको निकाल के हम इसको कुक करेंगे। मेरा 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देखती हूँ ये हुआ कि नहीं है। देखिए ये पूरा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया है। अब मैं इसको फ्लेम बंद करके इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर, 5 मिनट उसको ढक के रख देंगे। मैंने इसको 5 मिनट ढक दिया था, अब देखते हैं ये कैसे बना है। इसको ऐसे कट करके निकाल सकते हैं प्रेशर कुकर से। ये मैंने इसको प्रेशर कुकर से निकाल दिया है, मैंने इसको कट करके ही निकाला था क्योंकि होल नहीं आ सकते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा फ्लॉपी और यम्मी बना है। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है और फ्लॉपी भी है, स्पॉन्जी है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल केक जैसे दिख रहा है। ये ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी है, ये इसको पोड़ा पिठा बोलते हैं अब। और इसको डोसा बैटर को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के बनाया था, इसको हम सॉल्ट डाल के भी बना सकते हैं। आप घर में अपने ट्राई कीजिए, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.